بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कल आपने देखा था कि इनहेरिटेंस क्या होती है, लेकिन इनहेरिटेंस में मैंने आपसे कहा था कि आप उससे कंस्ट्रक्टर बना के देखेगा. आज हम उसको प्रैक्टिकली खुद से करके देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर कैसे बनाया जा सकता है. यहाँ पर अगर ट्राइड योर सेल्फ में जाएं तो यहाँ पर ये हमारी पेरेंट क्लास है जिसका नाम है पर्सन, और इसके अंदर एक मेथड है जिसको कहते हैं प्रिंट नेम. ये क्या करेगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को प्रिंट कर देगा. फिर दूसरा है स्टूडेंट क्लास, तो इनहेरिट कर रही है पर्सन क्लास से, और डिफाइन करेंगे हम इसको. फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के साथ. और यहाँ पर अगर हम देखें तो उन्होंने प्रिंट किया है, तो माइक ऑल्सन ये स्टूडेंट था और इसने हमें प्रिंट करके दे दिया है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम. अब यहाँ हुआ क्या है, हुआ ये है कि एक कंस्ट्रक्टर बना है पेरेंट क्लास में जिसका नाम पर्सन है, जिसको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दे रहे हैं, और जब चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर लाया है तो उस कंस्ट्रक्टर ने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया. पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल के जो पैरामीटर रिसीव हुए वो एज इट इज वापस चले गए. और जब हमने स्टूडेंट से प्रिंट नेम कॉल किया, हालांकि प्रिंट नेम स्टूडेंट में नहीं है, ये तो पेरेंट में है, उसने हमें रिजल्ट्स दिखाए हैं. तो सिमिलर कोड हम ट्राई करते हैं. हम यहाँ क्लास बनाते हैं और क्लास का नाम रखते हैं पर्सन. और इसमें हम बनाते हैं क्या, और इसमें मैं कह देता हूँ फर्स्ट नेम, नेम लास्ट नेम, और फिर उसके बाद हम इसको इनिशियलाइज करा देते हैं. इनिशियलाइज कराने में हमें एक वेरिएबल सेल्फ के नाम से लेना पड़ेगा जिसमें करंट ऑब्जेक्ट आएगा, और हम यहाँ कह देते हैं सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू एफ नेम, और सेल्फ डॉट last name is equal to l name. ये दोनों हो गए, और यहाँ पर आकर हम एक मेथड बनाते हैं और इसका नाम रखते हैं greet person. ओके, और greet person के अंदर हम क्या करते हैं, greet person में जाकर हम कहते हैं print मैसेज लिखते हैं, वेलकम कॉमा लगाते हैं, और उसके बाद हम कह देते हैं सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम, और फिर एक स्पेस ले लेते हैं, और उसके बाद हम कह देते हैं सेल्फ डॉट लास्ट नेम. हो गया जी ग्रीड यहाँ पर. और हम एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं स्टूडेंट, और उसको पर्सन एज अ पेरेंट क्लास पास कर. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिफाइन फातिमा प्लीज. थोड़ा सा आवाज आ रही है जी, मुझे आवाज आ रही है, थोड़ा सा वेट करें, क्लास चल रही है, इंशाल्लाह हम 20 मिनट में मीटिंग कर सकते हैं. सर, मेरी आवाज आ रही है? जी फातिमा, मुझे आपकी आवाज आ रही है. एक मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है इस वक्त, अगर आप थोड़ा सा वेट करें हम 20 मिनट में मीटिंग कर सकते हैं.
السلام عليكم. وعليكم السلام. सॉरी वो इंटरप्शन हो गई थी एक्चुअली, उस बच्ची को मैंने टाइम दिया हुआ था 4 बजे का, तो वो 4 बजे उसने मैसेज किया है तो मैं देख नहीं सका। अब यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं क्या स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर, एफ नेम, क्लास नेम, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं क्योंकि यहाँ पेरेंट है पर्सन, तो हम पर्सन डॉट कर देते हैं और इसको हम पास कर देंगे एफ नेम और क्लास नेम। ये हमारी इनहेरिटेंस हो गई। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ S1 के नाम से और इसको मैं कहता हूँ और इसको मैं पास करता हूँ अब्दुल सलाम। और ये करने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ S1 डॉट ग्रीट पर्सन। ओके अब हम इसको चलाते हैं और प्रॉब्लम वो क्या कह रहा है कि क्या है प्रॉब्लम, ये है कि यहाँ से सेल्फ नहीं भेजा, तो पहले सेल्फ भी भेजें और आप देखें वेलकम अब्दुल सलाम। तो वेलकम अब्दुल सलाम इसने हमें दिखा दिया है स्टूडेंट के अंदर वैल्यूज, हमने स्टूडेंट को भेजी थी उसने आगे भेज। हम एक और काम कर सकते हैं यहाँ, हमने इसको थोड़ा अच्छा ब्यूटीफाई करने के लिए, कोड को अच्छा लिखने के लिए हम यहाँ कर देते हैं str और फिर यहाँ हम सेल्फ भेज देते और इसके ऊपर हम लिखते हैं रिटर्न सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम प्लस स्पेस सेल्फ डॉट लास्ट नेम। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट भी भेजते हैं और प्रिंट में हम लिख देते हैं सिर्फ सर, इसको रन करते हैं तो आप देखिए इसने कहा वेलकम अब्दुल सलाम। अब सेल्फ ने क्या किया, मैंने आपको बताया था ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये हमारा सेल्फ में जाता है, तो ये ऑब्जेक्ट हमने सेल्फ में भेज दिया, उसने सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के दरमियान स्पेस दे के एडमिट कर लिया। अब ग्रीट पर्सन किया तो सेल्फ ने एसटीआर को कॉल किया और एसटीआर को कॉल करने के बाद अब्दुल सलाम हमारा प्रिंट कर दिया। इस तरह से हम मजीद भी कर सकते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल मैं S2 बनाता हूँ और उसका नाम रखता हूँ फातिमा और एडम और यहाँ मैं कह देता हूँ S2.greetPerson और अब हम इसको रन करते हैं तो वेलकम फातिमा आदम। तो अब ये देखें दो बन गए, दोनों ऑब्जेक्ट्स ने स्ट्रिंग को कॉल किया बार बार और हमने यहाँ पर देख लिया कि कैसे हम पेरेंट क्लास की मदद से रीयूज कर सकते हैं अपने कोड को और फिर नई क्लास बना सकते हैं जिसमें पेरेंट क्लास का सारे का सारा कोड रीयूज हो सकता है। आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं सुपर फंक्शन। ठीक है, सुपर फंक्शन की मदद से भी हम अपना पेरेंट की जगह हम कॉल कर सकते हैं, यानी जहाँ पेरेंट यूज किया उसकी जगह हम सुपर का वर्ड यूज कर सकते हैं।
यहाँ पर्सन की जगह सुपर से मुराद है पेरेंट, मैं यहाँ सुपर लिख देता हूँ और इसको रन करता हूँ तो जब सुपर कॉल करेंगे तो फिर हम सेल्फ नहीं लिखेंगे, सुपर सेल्फ के साथ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सुपर में हम पेरेंट ही कॉल कर रहे हैं डायरेक्ट, तो सुपर की मदद से इसको कॉल किया और ये चल गया है। तो प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं, सुपर के बाद मैं कहता हूँ कि ग्रेजुएशन ईयर 2019 और स्टूडेंट में हमने ईयर भी भेजा तो सुपर में ईयर नहीं था लेकिन चाइल्ड में ईयर ऐड हो गया, तो मैं यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ कह देता हूँ ईयर और यहाँ मैं लिख देता हूँ सेल्फ डॉट ग्रेजुएशन ईयर इज इक्वल टू ईयर। अब यहाँ से हम स्टूडेंट को भेज रहे हैं 2008 और यहाँ स्टूडेंट को भेज देते हैं 2009 और हम इसका डिफाइन करते हैं और डिफाइन में जाकर हम लिखते हैं str इसके इसको सेल्फ भेज देते हैं और सेल्फ में भेजने के बाद हम कह देते हैं कि ग्रेजुएशन हम यहाँ लिख देते हैं रिटर्न सुपर डॉट str और साथ में प्लस ग्रेजुएशन सेल्फ डॉट ग्रेजुएशन और ग्रीट पर्सन कॉल हो रहा है, ग्रीट पर्सन की जगह मैं ग्रीट पर्सन कॉल होता है इसकी जगह मैं कह देता हूँ प्रिंट s2। ओके अब हम इसको चला के देखते हैं, स्ट्रिंग अच्छा स्ट्रिंग रिटर्न्ड अ वेलकम सेल्फ सुपर पेरेंट क्लास को जी। वेलकम। सर एक बार बता दें सुपर से क्या होता हाँ जी है? सर सुपर से क्या होता है, वो दोबारा रिपीट कर दें प्लीज। अच्छा मैं अभी रिटर्न 1 मिनट दे दें मुझे, हम ये एरर फिक्स कर लें और फिर हम इसको देख लेते हैं पर्सन और सेल्फ और फिर हम इसको ट्राई रिटर्न द नॉन स्ट्रिंग यहाँ पर
अब ये हमारा स्ट्रिंग मेथड है। इस मेथड ने पहले किसको कॉल किया है? इस मेथड ने पहले कॉल किया है पेरेंट को। तो पेरेंट के एसटीआर को कॉल किया है। मैं इसकी जगह सुपर लिख देता हूँ और हम इसको रन करते हैं तो ये हमें दिखा रहा है। अब सुपर से क्या मुराद है? सुपर से मुराद पर्सन ही है। सुपर से मुराद पर्सन ही है। अगर पर्सन लिखेंगे तो यहाँ सेल्फ भेजेंगे, अगर पर्सन नहीं लिखेंगे तो फिर यहाँ देखिए सेल्फ भेजा तो इसने ये प्रिंट किया, ये प्रिंट एस टू। तो प्रिंट एस टू क्या कॉल कर रहा है? स्टूडेंट का एस टी आर मैथड कॉल कर रहा है। तो इस एस टी आर मैथड के अंदर स्ट्रिंग ली और उसमें ग्रेजुएशन ईयर को हमने ऐड कर, ठीक हो गया। चले जी आगे चलते हैं। अब यहाँ देखें वेलकम स्टूडेंट फर्स्ट नेम टू द क्लास ऑफ सेल्फ डॉट ग्रेजुएशन एज। नया मेथड बनाया वेलकम के नाम से। हम भी एक मेथड बना देते हैं वेलकम के नाम से और यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि वेलकम स्टूडेंट, ओके। और वेलकम स्टूडेंट क्या करेगा? ये रिटर्न करेगा इसको, वेलकम स्टूडेंट रिटर्न करेगा सेल्फ। पहले इसको सेल्फ ले लेते हैं यहाँ पर और फिर हम कह देते हैं सेल्फ रिटर्न वेलकम और यहाँ हम कह देते हैं प्लस सुपर डॉट एस टी आर और प्लस टू द क्लास और यहाँ हम कह देते हैं प्लस सेल्फ डॉट ग्रेजुएशन। ओके, अब इसको हम यहाँ से कॉल करते हैं और मैं कह देता हूँ S1 डॉट वेलकम स्टूडेंट। ओके, और यहाँ हम कह देते हैं S2 डॉट वेलकम स्टूडेंट। ओके, अब बाकी सारे कोड को हम कमेंट कर देते हैं ताकि हमारा इम्पैक्ट नजर आए कि इसका क्या इम्पैक्ट एग्जैक्टली। तो अब मैंने बाकी सारे कोड को कमेंट कर दिया है और वेलकम स्टूडेंट वाला कोड चला। तो सुपर डॉट स्ट्रिंग टू द क्लास प्लस ग्रेजुएशन रिटर्न वेलकम कैन ओनली कंकेटिनेट स्ट्रिंग टू द क्लास। तो यहां पर हमें स्ट्रिंग टू द क्लास है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए हम एस टी आर लिखेंगे तो ये कन्वर्ट हो गया है और अब मैं इसको चलाता हूं तो इसने हाँ ये रिटर्न किया है। तो हम इसको करते हैं प्रिंट, इस मेथड को क्या करते हैं? प्रिंट करते हैं और यहाँ भी हम प्रिंट करते हैं जी जी वेलकम अब्दुल सलाम टू द क्लास 2008 एंड वेलकम फातिमा एडम टू द क्लास ऑफ 2009। यहाँ पर हमने क्या किया? एक मेथड बनाया वेलकम का जिसने इसको कॉल किया और कॉल करने के बाद इसने हमें दिखा दिया है रिजल्ट। ओके जी, अब टेस्ट योर सेल्फ क्लास व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स टू क्रिएट अ क्लास नेम स्टूडेंट दैट विल बी इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज विद द मेथड फ्रॉम द क्लास पर्सन। तो क्या लिखेंगे जी? स्टूडेंट सबमिट आंसर।
ओके तो नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट है हमारे आइटरेटर्स। एन आइटरेटर इज एन ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स अ काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज। आइटरेटर इज एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी आइटरेटेड अपॉन, मीनिंग दैट यू कैन ट्रैवर्स थ्रू ऑल द वैल्यूज। टेक्निकली इन पाइथन एन आइटरेटर इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच इंप्लीमेंट द आइटरेटर प्रोटोकॉल व्हिच कंसिस्ट ऑफ द मेथड आइटर एंड नेक्स्ट। Iterator lists tuples, dictionaries, sets, all are iterable objects. They are iterable containers which you can get an iterator form. All these objects have iter method which is used to get an iterator. अब यहाँ पर my tuple, equal बनाना this और next my iterable। अब अगर मैं इस कोड को लिखूँ तो ये कोड क्या कर रहा है, ये पहले एपल लेगा फिर नेक्स्ट में आगे ले जाएगा, बनाना ले लेगा फिर नेक्स्ट क्या करेगा, चेरी को ले लेगा। ठीक है आगे है, ठीक लूपिंग थ्रू एन आइटरेटर। अब यहां पर माई टूपल और इसके पास आइटरेटर ऑब्जेक्ट है और फॉर एक्स इन माई टूपल प्रिंट एक्स। तो इस केस में लूप के थ्रू आइटरेट हो रही है और इस केस में बगैर लूप के आइटरेट हो रही है। यहां हमने माई स्ट्रिंग को आइटर लिखा है तो उसने क्या किया, माई स्ट्रिंग की स्ट्रिंग्स बना दी और एक एक करेक्टर को उसने क्या किया, आइटरेट किया। तो आइटर बनाने से क्या फायदा होगा, आइटर बनाने से ये फायदा होगा कि हम उस ऑब्जेक्ट को आइटरेट कर सकते। ठीक है अब जब भी हम आइटरेटर क्लास की आइटरेटर बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को आइटर मेथड के साथ और नेक्स्ट मेथड के साथ ओवरराइड कर देते हैं। तो अब यहां देखें, यहां हमने क्या किया, माय नंबर्स आइटर सेल्फ, सेल्फ इज इक्वल टू ए रिटर्न सेल्फ। नेक्स्ट आइटर क्या कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू सेल्फ एंड सेल्फ डॉट ए इज इक्वल टू प्लस वन। अब इस तरह से क्या हो गया कि ये आइटर का ऑब्जेक्ट हमने इंप्लीमेंट कर लिया। अब एक एग्जांपल करके देखते हैं, स्पाइडर में आइटरेटर्स की एक नई क्लास बनाते हैं और इस क्लास के अंदर मैं जाकर लिखता हूं क्लास माय नंबर्स और यहां पर हम कह देते हैं क्लास के बजाय वैसे यूज करके देखते हैं लिस्ट में, मैं कह देता हूं लिस्ट इज इक्वल टू इक्वल बनाना चाहिए। ठीक है और यहां हम क्या देते हैं, एक्स आइटर इज इक्वल टू आइटर ऑफ लिस्ट। अब मैं यहां कहता हूं प्रिंट नेक्स्ट ऑफ एक्स आइटर और इसको मैं कॉपी और पेस्ट कर। अब हम इसको चलाते हैं, आप देखिए एप्पल बनाना और चेरी इन सारों को इसने क्या किया है, आइटरेटर ऑब्जेक्ट के जरिए प्रिंट प्रिंट कर दिया। कर दिया। अब ये केस है, अब अगर मैं इसकी जगह बना दूं मैं
क्या बना रहा हूँ जी, लिस्ट की ट्रिपल जगह क्या बना रहा हूँ, टुपल। टुपल में भी आइटर चल रहा है, और अगर उसकी जगह मैं क्या बना दूं, ये क्या है, मैंने स्मॉल कर्ली ब्रैकेट से क्या यूज होता है, सेट तो सेट में भी ये आइटर ऑब्जेक्ट चल रहा है। अब अगला काम हम क्या जी। करते हैं, हम अपनी क्लास बनाते हैं और उसका नाम रख देता हूँ माय। लेकिन जी सर बेटा, सेट ने तो उल्टा प्रिंट किया है, पहले चेरी थी बनाने के लिए। तो आपको पता है कि हमारे पास सेट के अंदर अनऑर्डर्ड होते हैं आइटम, तो अनऑर्डर्ड है तो जिस ऑर्डर में पड़े होंगे उस ऑर्डर में दिखाएगा। गॉट इट? जी तो क्योंकि वो अनऑर्डर्ड ऑब्जेक्ट है तो उसने उसको अनऑर्डर्ड ही दिखाना है ना। अब हमें तो नहीं पता किस ऑर्डर में उसने रखा हुआ। क्लियर? यस, जी मैं कहता हूं इवन नंबर्स, क्लास का नाम रखा इवन नंबर्स और इसके अंदर डिफाइन किया मैंने नेक्स्ट। ठीक है, और नेक्स्ट के अंदर मैं कहता हूं सेल्फ डॉट एक्स एन इज इक्वल टू सेल्फ डॉट एक्स और रिटर्न एन इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एन प्लस वन, या हम लिख दें सेल्फ डॉट एक्स इज इक्वल टू सेल्फ डॉट एक्स प्लस वन और रिटर्न सेल्फ डॉट एक्स। हो गया। दूसरा क्या हो गया डेफ, मैं यहां करता हूँ आइटर, राइटर में भेज देता हूँ सेल्फ, और सेल्फ में भेज के मैं क्या करता हूँ सेल्फ डॉट एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक हो गया, और यहां पर मैं कह देता हूं अब मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं इसका इवन नंबर का, ई इज इक्वल टू इवन नंबर। ओके, और मैं ई आइटर इज इक्वल टू आइटर ऑफ ई कर देता हूं, या मैं कह देता हूं ई डॉट आइटर ई डॉट आइटर कॉल करता हूं और फिर मैं कहता हूं ई डॉट नेक्स्ट। ठीक है, और फिर हम ओके ओके तो यहाँ हम कर देते हैं प्रिंट ई डॉट। इसको रन करते हैं तो आप देखें 4 6 8 इसने क्या किया है यहाँ पर प्रिंट किया है। अगर मैं इसको 0 से इनिशियलाइज कर दूं और फिर इसको रन करूं तो ये 2 4 6 आइटर की मदद से इसने इनको प्रिंट कर दिया है। तो नेक्स्ट और आइटर ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों डिफाइन किए और इनको हम आइटर और नेक्स्ट डिफाइंड है तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक आइटरेटर, ये तो था कि मैंने डायरेक्ट ई से कॉल की, अगर मैंने ई से कॉल नहीं करता मैं इसको आइटर ऑब्जेक्ट के जरिए कॉल करता हूँ तो मैं कहता हूँ ई आइटर इज इक्वल टू आइटर ऑफ ई, ई चला गया और फिर मैं कहता हूँ प्रिंट नेक्स्ट ऑफ ई आइटर। इससे क्या हो जाएगा हमें वो
नंबर्स को प्रिंट कर देगा। जी तो इसको दो स्टेप में करना है। इज इक्वल टू सेल्फ डॉट एक्स और सेल्फ डॉट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस टू। अब इसको रन करते हैं और रन करते हैं तो इसने क्या कहा है, रिटर्न नॉन आइटरेटर ऑफ टाइप आइटरेटर। आइटर सेल्फ डॉट ए प्लस इक्वल टू डॉट एक्स प्लस इक्वल टू ले जी रिटर्न सेल्फ किया तो आइटर में इसने 0 2 4। अब अगर इसको हम टू से इनिशियलाइज करके तो टू से इनिशियलाइज करने के बाद ही हमारे पास उसके नेक्स्ट आइटरेशन नंबर दिखाई। आइटर मेथड को क्या करना है, किसी भी क्लास में लिखेंगे तो ये आइटर क्लास यूज कर सकेगा। नेक्स्ट डिफाइन करेंगे तो वो भी नेक्स्ट मेथड को यूज कर सकेगा उसके अंदर। ओके मेरे ख्याल में आइटरेटर तक करते हैं, आप इसको रिकैप कीजिएगा और मजीद इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। एक कोड में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछ लें। सर। अल्लाह हाफिज़।